अस्सलामु अलैकुम द टाइम्स ऑफ कराची के यूट्यूब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम से मुतसिल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ ये जो अहम शारा है हसन स्क्वायर के करीब और यहाँ पर कराची से आए हुए सैकड़ों तलबा व तालिबात उस वॉल को पेंट कर रहे हैं जो कि अमूमन हमें सियासी नारों से या फिर किसी और कलर्स में दिखाई देती है, मगर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वह जो कराची का एक खूबसूरत चेहरा है वो लोगों के सामने लाया जाए। और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है और ये इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि कराची का जो एक खूबसूरत चेहरा है कराची की दीवारों को ऐसे रंगा जाए कि दीवारें खूबसूरत दिखाई दें, ना कि दीगर सियासी नारों से बल्कि मुख्तलिफ पैगाम से। तो यहाँ पर कराची जो कि इसका टाइटल है जो कि उसकी पहचान है सिटी ऑफ लाइट, तो वो टाइटल प्रिंट किया गया है और यहाँ पर आपको ट्रैफिक का शोर भी दिखाई दे रहा है और साथ साथ जो गुजरने वालों की जो बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पर कराची की इन दीवारों को देख रही है। तो इस वक्त मैं आपको बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के सामने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जो दीवार है जो वॉल है वहाँ से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से आए हुए ये तलबा व तालिबात हैं जो कि अपना आर्ट दिखा रहे हैं और हम आपको टाइम्स ऑफ कराची के यूट्यूब पेज पर इस वक्त लाइव ये कवरेज दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम आर्टिस्ट हैं जो कि अपने अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं कराची की दीवारों को जो कि रंगा जा रहा है और थीम यही दी गई है कि रंग दे कराची, ये देखें रंग दो कराची। तो इस तरह से इसका नाम दिया गया है, ये टाइटल है रंग दे कराची और मुख्तलिफ फूल मुख्तलिफ किस्म के जो सकाफती समाजी जो आर्ट के थ्रू जो है उजागर किया जा रहा है इस वक्त। और हम आपको इस वक्त यहाँ से अपडेट कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो आर्टिस्ट हैं इनसे भी बात करें और इनसे पूछें कि ये कैसा फील कर रहे हैं और इस वक्त क्या कुछ ये बना रहे हैं। तो ये वॉल है कराची की जो कि वॉल यहाँ से इस वक्त जारी है और यहाँ पर इस वक्त एक और स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर एक आर्ट बना रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ये बताएं कि आप वैसे तो किस इंस्टीट्यूट से आपका ताल्लुक है और कैसा फील करती हो जब कराची की दीवारों को एक आप लोग अच्छा रंग दे रहे हो, थोड़ा लाउड बोलना। काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि हमें भी पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर वो बंगाली बाबा और ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें लिखी होती तो देखिए कोई बाहर से आने वालों का इंप्रेशन भी अच्छा नहीं बनता, तो वही बात है कि आर्ट से हम इसको खूबसूरत कर सकते हैं और वो जो बंगाली बाबा वाली फालतू की चीज़ें उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप ये बताओ ये आप क्या बना रही हो, मुझे लग रहा है ये ट्रक आर्ट जो कल्चर है हमारा। जी जी बिल्कुल ये ट्रक आर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पे फोटो आएगा ट्रक आर्ट से रिलेटेड। अच्छा तो अच्छा ये बताएं कि किस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक है और जब यहाँ से लोग गुजर रहे हैं तो आपको देख के थम्स अप कर रहे हैं शाबाशी दे रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग यहाँ से गाड़ियों में गुजरते हैं फिर तारीफ करते हुए भी जा रहे हैं, क्लैप्स करते हुए जा रहे हैं। वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन है रंग दे कराची की तो ये लोग ये करते हैं। चले जी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने काम को कंटिन्यू रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह एक और आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, इन्होंने पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो है वो जो पहचान है पाकिस्तान की यानी दर्रे खैबर है, इसके अलावा मीनार पाकिस्तान है, फैसल मस्जिद है, मदार कायद है और भी कुछ निशानात हैं निशान पाकिस्तान है, तो वो उन्होंने यहाँ पे रंगे हुए हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखा सकें। इसके अलावा कुछ और आर्ट भी है जो कि यहाँ पर ये देखें कि बड़ी मेहनत से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कराची की है आप पकड़ने, कराची की जो दीवारें हैं इस वक्त हम लाइव हैं टाइम्स ऑफ कराची में, तो आप लोग इसको रंग रहे हो, तो कैसा लग रहा है कि एक अच्छा इम्पैक्ट आप एक अच्छी कोशिश कर रहे हो? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है कि अपनी सिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं और लोगों का तक अच्छा मैसेज पहुँचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लोग जाते सिर्फ कोई 5-6 सेकंड के लिए लोग दिखते हैं, तो हर दीवार से एक कोई बेहतरीन मैसेज उन तक पहुँच रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है अपनी सिटी के लिए, और पूरे मॉन्यूमेंट्स बनाए इसलिए ताकि पूरे पाकिस्तान तक कराची का सारा प्यार पहुँचे। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, ये जो आपने दीवारों को ही कैनवस बनाया हुआ है, तो ये कैनवस कैसा है और यहाँ काम करके मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है? बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल से तो कराची के सभी यंगस्टर्स को और जो भी आर्टिस्ट हैं उनको आना चाहिए, इस कैंपेन को ज्वाइन करना चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कैनवस पर पेंट करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो वन बाय वन बता दें आप देखने वालों को कि क्या क्या बनाया है आपने, ये है क्या, बेसिकली थीम क्या है, और आपने मुख्तलिफ कलर, क्योंकि आप आर्ट को बेहतर समझते हो तो बताओ। ये बेसिकली पेंटिंग जो मैं दिखा रही हूँ, उसमें ये दिखा रही हूँ कि ये पाकिस्तान है हमारा और ये एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ आपको सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। इधर मैंने दिखाया है कि पास है जी, ये सही से पेंट नहीं हुआ वहाँ, लेकिन इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा। और ये फैसल मस्जिद है, ये मीनार पाकिस्तान है, ये कायदे आजम का मज़ार है, और ये गिलगित बल्तिस्तान कॉरिडोर है, और वो इस्लामाबाद का कोई मॉन्यूमेंट। अच्छा जी, ये देखिए, ये मदारे कायद, मीनार पाकिस्तान, फैतल मस्जिद और खैबर पाक, ये तो अमूमन बहुत सारे लोगों को जानते हैं, ये दो के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ये क्या बनाया आपने? एक्चुअली हमें सारे कल्चर्स दिखाने थे, सब में यूनिटी दिखानी थी, तो हमने ये सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट वो भी होने चाहिए मॉन्यूमेंट्स, तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान का भी लिया और इस्लामाबाद का भी मॉन्यूमेंट लिया, ताकि लोगों तक ये अच्छी यूनाइटेड रहने का मैसेज पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, और ये आप पूरी वॉल पे देख सकते हैं कि तमाम ही आर्टिस्ट अपने अपने आर्ट का मुजाहरा कर रहे हैं, कराची की इस दीवार को जो कि रंगा जा रहा है और मुख्तलिफ रंगों में रंगा जा रहा है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर और भी क्या कुछ बनाया जा रहा है, और मेन यूनिवर्सिटी रोड की तरफ अगर आप जाएँ स्टेडियम की जानिब से, तो यहाँ पर ये आर्ट जो है वॉल को ही कैनवस बनाया हुआ है। तो एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। यार 2 मिनट ले सकता हूँ, बहुत मसरूफ है। आप ये बताएं कि आप क्या बना रहे हैं ये इस वॉल पे? यार ये एक मिक्स कल्चर पोर्ट्रेट है, एक सिंधी बाबा है, मेरा मिक्स कल्चर जिसमें सबको दिखाया जा रहा है, सिंधी बाबा है, तो थोड़ा पंजाबी ड्रेस और पश्तो टोपी लगा के, और जो बैकग्राउंड जो बना रहा हूँ बलोची जो कढ़ाई होती है ना ड्रेसेस में, जो कढ़ाई होती है तो बैकग्राउंड उस पर बेस होगा, तो इसमें जो है सारे कल्चर हमारे मिक्स हो रहे हैं। यानी आपने भी वो जो कल्चर के थ्रू जो है एक डाइवर्सिटी है वो शो की है आपने, डिफरेंट जो हमारे वो है कल्चर्स, तो इसी एक ही पोर्ट्रेट में मैंने पोर्ट्रेट करना चाहा। चले जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा ये बता दें कि जब लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो आप लोगों को थम्स अप कर रहे हैं, और कैसा लग रहा है इन दीवारों को जब आप सजा रहे हो, रंग रहे हो? कुछ लोग छेड़ते भी हैं, वोटिंग करते जाते हैं, वरना अक्सर लोग रुक के जो है तारीफ करते हैं, तो बड़ी अच्छी तरह। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यकीन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक यू सो मच। और भी यहाँ पर एक और यहाँ पर बस पेंट कर रही हैं, एक खातून हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे अपने आर्ट का मुजाहरा कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी वॉल पे इस वक्त मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं जो कि अपने अपने आर्ट का मुजाहरा कर रहे हैं। हम यही जानना चाहेंगे इन लोगों से और बात करना चाहेंगे कि ये लोग आखिर जिस तरह से एक आप ये देखें कि ये मेन शाहरा है कराची की, और यहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं जो कि काम में मसरूफ हैं, और ये एक बस है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है जो कि ये लोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये बताइए कि ये आप बस है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं, क्या बना रही हैं इस वॉल पे आप? हम इसको जो है पाकिस्तानी बस टाइप बनाना चाहते हैं, अभी इसमें हमें एडिटिंग करनी है, अभी हम इसमें जो है फ्लावर्स वगैरह बनाएंगे सारे, ताकि ये लगे पाकिस्तान की बस टाइप की। अच्छा, यानी वो जो टिपिकल, वो जो एक हमारा एक ट्रेडिशनल स्टाइल जो है बसेस का, इसको वो करेंगे हाँ। ये यानी जो मेन हाईवेज पे जो बसें चलती हैं आप, तो ये जी हाईवेज की बस है जो कि तैयार बना रही है। तो
आप कुछ कहेंगे जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो आप लोग ये पकड़ने और जिस तरह से इन बॉल्स को आप रंग रहे हो, तो क्या मैसेज क्या है कि हमें अपनी ये दीवारें भी पैगाम देती हैं? हमें अपने मुल्क को जो है सजा के रखना चाहिए, रंग बरंगा अच्छा लगता है सब कुछ। अच्छा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका यही मैसेज है कि जिस तरह आप अपने लुक्स पर काम करते हैं उसी तरह शहर के भी लुक्स पर काम करें। और ये एक और वॉल है जो कि सजाई जा रही है और यहाँ से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक कैनवस बना दिया गया है, कैनवस बनाया हुआ है, मुख्तलिफ लोगों ने और मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दीवारों को ही कैनवस में तब्दील कर दिया है। और YouTube टाइम्स ऑफ कराची के YouTube से हम आपको लाइव इस वक्त नशरियात दिखा रहे हैं और ये पूरी वॉल हम आपको आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि दिखाएं और इसके बाद हम मजीद जो भी पिक्चर है कराची की वो हम आपको दिखाते चलें। तो अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताओगे क्या बना रही हो और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, कुछ बताइए ये क्या बना रही है? यहाँ पे हमें कल्चर की थीम दी गई है तो मैं यहाँ पे केबीके का कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा तो ये जो है आई थिंक आप इस तस्वीर को कॉपी कर रही हैं कि एक कोई लेडी है और वो ट्रेडिशनल केबीके स्टाइल में और वो खाना वगैरह बना रही है। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये कैसा लग रहा है कि आप लोग जो एक नया रंग दे रहे हो कराची की दीवारों पर? मैं एक्चुअली आर्टिस्ट हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे इतना एक्सपोजर मिला है यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस वक्त हम आपको मेन नेशनल स्टेडियम कराची के सामने जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की दीवार है यहाँ से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के ये स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट का मुजाहरा कर रहे हैं। और एक और भाई है, हम इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम यार, ये बताएं कि आप क्या बना रहे हो? हम टाइम्स ऑफ कराची से इस वक्त लाइव हैं, कुछ बैकग्राउंड बताएं आप इसका। हम केपीके का चाय वाला बना रहे हैं और उसका बैकग्राउंड ये है कि ये चाय वाला जो है आजकल ढाबे होते हैं इस तरह से, तो वो हमारी थीम है, कल्चर को लेकर हमारी थीम है और उसी से रिलेट करता हुआ ये चाय वाला और ये केपीके का है। और हमारा एक ग्रुप है ऐश आर्ट का और हम रंग दे कराची के लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये मखसूस एक चाय वाले जो अमूमन जो है हम कहते हैं कि भाई चाय तो सिर्फ पठान भाई की अच्छी होती है, तो उस चाय का जो मज़ा है और जो चाय की ताजगी है उसको वॉल पे कन्वर्ट कर दिया है इन आर्टिस्ट ने। तो इस वक्त हम आपको बराह रास्त टाइम्स ऑफ कराची के यूट्यूब प्लेटफॉर्म हम आपको इस वक्त अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नेशनल स्टेडियम के सामने मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं जो कि दीवारों को रंग रहे हैं, दीवारों को सजा रहे हैं और ये सिलसिला आइंदा दो रोज तक जारी रहेगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहिए।